अब तो वोट उठ डल गया सर, नतीजा आ गया। मैं तो आपको इंडिया का नक्शा दिखा रही हूँ अंजना जी, मैं वो नक्शा, एक सेकंड सर, तुरंत आ रही हूँ। वो नक्शा जिस पर आप लोग हावी होते थे 2018 के बाद, देखिए अब यह आम आदमी पार्टी और आपके पास अब बराबर है, दो दो राज्य, टू टू स्टेट्स, दो जगह आपका महाराष्ट्र और झारखंड में गठबंधन की सरकार है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? आप इन तमाम बातों, आप ये भी कहते हैं देखिए मनरेगा आपकी स्कीम वो चला रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें जो आपकी थी वो चला रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि आपकी पार्टी ध्वस्त होती चली जा रही है? बिल्कुल ठीक। अगर कुछ लोग शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कोई फैसला क्यों नहीं, आखिर जवाबदेही होती है ना। राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे अभय जी, नहीं परफॉर्म कर पाए 2009 में, हटाया गया। नितिन गडकरी नहीं परफॉर्म किया, हटाया गया। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए ना, आखिर ये किसी एक परिवार, सर सुन लीजिए इसको समझिए। आप लोकतंत्र में हमेशा कहते हैं कि मीडिया को ताकतवर होना चाहिए, विपक्ष को भी ताकतवर होना चाहिए, और विपक्ष में अगर परिवारों का कब्जा विपक्षी पार्टियों पर हो जाएगा तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी ना। अगर उससे निकल कर एक रिस्क लिया जा सकता है तो क्यों नहीं, कोई बोलने से डरता क्यों? मैं तो सिंपल पूछ रही हूँ अंजना जी, बहुत ही अच्छी आपने प्रश्न किया है। मैं थोड़ा सा स्मृति पटों को आपके चिन्हित कर देता हूं। 1952 में जनसंघ बना, 1952 से लेकर 98 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी परास्त होती रही। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मदो, अटल बिहारी वाजपेयी तो खुद हार गए चुनाव, दीनदयाल उपाध्याय। अगर अटल बिहारी वाजपेयी को यह मान करके कि खुद भी चुनाव हार गए और अस्वीकारिता है उनकी, तो यह संभव नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ जाती। इसलिए इन संदर्भों को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार क्यों कोशिश कर रही कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नहीं करें, क्योंकि एकमात्र, अरे वो कहां रोक रहे ये अभय जी, तो मतलब आप लोग बीजेपी की वजह से उनको अध्यक्ष नहीं बना रहे, ये कौन सी बात है? चलिए मैं उत्तर दे दूं। और आपने कहा कि बीजेपी भी हारती रही, लेकिन समाजवाद की नर्सरी से कई ऐसे नेता निकले ना उस दौर में भी, जब कांग्रेस का वर्चस्व था भारत की राजनीति में, समाजवाद के विचारधारा के साथ लोग उभरे, एक विपक्ष बना ना कांग्रेस के भी खिलाफ। हम तो विपक्ष की ताकत की बात कर रहे हैं, हमें कांग्रेस पार्टी या किसी एक पार्टी की चिंता नहीं है, हमें विपक्ष की ताकत की चिंता है ना, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। विपक्ष का एक उदाहरण बताइए, कोई एक नेता इतनी दृढ़ता और मुखरता से राहुल गांधी जी की तरह बात कर सकता हो? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी कहा, मुझे ममता बनर्जी बोलती भी है और करके दिखाती भी है। मैं छोटे से उदाहरण, पटकनी दे दी पश्चिम बंगाल में, जब एक के बाद एक जमीन छीनने के किसानों के 3 अध्यादेश लेकर आए थे, तब लड़ाई किसने लड़ी? राहुल गांधी जी ने लड़ी, ममता बनर्जी उस वक्त नहीं थी। जब मजदूर दर बदर की ठोकर खाने के लिए सड़कों पर फेंक दिया गया प्रधानमंत्री जी, समय बराबर तब कौन था उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बताइए? जब हाथरस और उन्नाव में बेटियों की अस्वत पर सत्ता की सरपरस्ती में वार होता था तो कौन था उनकी लड़ाई लड़ने के लिए? जब लखीमपुर खीरी में रोंद कर किसानों को मार डाला गया तब कौन था उनकी लड़ाई लड़ने के लिए? जब एक वर्ष तक किसान दिल्ली की सड़कों पर कील और कांटों में फेंक दिए गए थे तब कौन था उनकी लड़ाई लड़ने के लिए? 2% वोट आए सर, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को यूपी में 2% वोट आए हैं, 2%। देखिए आप भी लड़की हैं अंजना जी, प्रियंका गांधी जी ने लड़की की न्याय की लड़ाई खड़ी की है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गौरव जवाब दे ले, वक्त बराबरी का देना चाहिए, वो हारा नहीं करती, लड़कियां हारी नहीं, एक नया मील का पत्थर रखा है, और एक नया मील का पत्थर रखा है गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक नया मील का पत्थर है, वो न्यू पॉलिटिक्स ला रही है। धन्यवाद अंजना जी, मुझे लगता है मेरे साथी अभय दुबे जी को ये एहसास ही नहीं है कि 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आप देखिए वही रटी रटाई दलीलें, लड़की हूं लड़ सकती हूं, अरे इनको ये भी नहीं पता है कि 399 प्रत्याशी थे उत्तर प्रदेश में, 387 की जमानत जब्त हो गई और उसके बाद कह रहे लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपको मालूम है जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है कि पहले माताजी विफल हुई तो बेटा आया बचाने, फिर बेटा विफल हुआ तो बेटी आई बचाने, फिर बेटी विफल हो गई, अब कौन आएगा बचाने? आप बताइए, आप नहीं चाहते बदलाव करना। मैं तो ये कहूंगा अभय जी, बिल्कुल बदलाव मत करिएगा, यथास्थिति बने रहने दीजिए,
और आज वैसे भी कोई कांग्रेस पार्टी को जीवित पार्टी नहीं मानता है, वो मृत पार्टी है। नेतृत्व से भी वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सबसे बड़ी बात है, आप लोग उनसे डरते हैं, आप लोग बाधाएं डालते हैं उनके रास्ते में। अच्छा, अंजना जी, अभी महिमा मंडन किया जा रहा था उनका, और सारे दर्शक मैं समझता हूं एक लंबी सांस लेते हुए इंतजार कर रहे थे कि इस पे कुछ प्रकाश डाला जाए। कांग्रेस पार्टी वैसे भी अंधकार में है, तो राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बातें बता दूं। कुछ सालों से हम लोग भी चर्चा करते हैं, राहुल गांधी जी वो है जिनके रिपोर्ट कार्ड में 30 से ज्यादा चुनाव हराने का एफ लगा हुआ है। राहुल गांधी वो है जो लोकसभा में 10 साल रहते हैं पहले, और तब भी वक्तव्य देते हैं कि 546 सीटें हैं लोकसभा में, उनको यह भी नहीं पता कि कितनी सीटें हैं। वो विदेशी धरती पे जाते हैं और कहते हैं कि वंशवाद एक परंपरा है भारत में। उनसे पूछा जाता है गरीबी कैसे हटाओगे आपकी, जो है इंदिरा गांधी जी नानी जी ने कहा था, तो वो ये बोलते हैं कि नहीं, गरीबी एक मानसिकता है, इसको हटाने की क्या जरूरत है। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो अपनी पारंपरिक सीट अमेठी हार जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें हटाया नहीं जाता। और सबसे जो प्रमुख बात है, भ्रष्टाचार के मामले में चाहे इनकी अध्यक्षा हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों बेल पे बाहर है। आप मुझे बताइए, एक सुदृढ़ भारत, एक मजबूत भारत जो श्री नरेंद्र मोदी जी जिसका निर्माण कर रहे हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति की कोई जगह है? और मैं इतना ही कह के अंत करूंगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, इन अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये कांग्रेस की कहानी है और इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो खुश रहेंगे, चापलूसी करेंगे, मक्खनबाजी करेंगे, करते रहने दीजिए।